और ये डन। अरे क्या देख रहे हो यार, मैं तो वोट कर रहा हूँ जियो सिनेमा पे। अगर आपने भी नहीं किया ना तो कर दो, अभी वोटिंग बंद होने वाली है कुछ देर में। देखो गाइस, मैं तो नहीं बता सकता कि मैंने किसको वोट किया है अभी, बट अगर अभी तक वोटिंग स्टार्ट है तो प्लीज जाकर वोट करो। मुझे नहीं पता एल्विश फुकरा, जिसको भी वोट करना है प्लीज जाकर करो, ट्रॉफी अपने यूट्यूब कम्युनिटी में ही आना चाहिए। प्लीज ये वीडियो खत्म होने के बाद पक्का जाकर वोट कर देना। तो गाइस फाइनली वो टाइम आ गया है कि आज अपन को पता चलने वाला है कि कौन जीतने वाला है। यार कितने दिनों से चल रहा था एल्विश फुकरा यार, टीवी सीरियल को तो कोई रेस का हिस्सा ही नहीं मान रहा, जनता ने तो बाहर ही कर दिया उनको। हाँ मैं तो नहीं बता सकता कि मैंने किसको वोट किया, बट आप जरूर बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने किसको वोट किया। बिग बॉस के अंदर एक टास्क दिया गया था कि एक दूसरे को रोस्ट करना है, तो एल्विश और फुकरा ने एक दूसरे को रोस्ट किया है, तो वो वाली क्लिप भी देखते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और कमेंट सेक्शन के अंदर जय श्री राम स्पैम करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ। आप में पता है, मैं अभी मैं पहले सोच के आया था भाई, एक तो हीरो लगते हैं मुझे, लगता है ये तो करनी चाहिए एक तो ये बात। थैंक यू। और अरे भाई वोटिंग भाई रुक ही नहीं रहे तो। ओह ये तो बढ़ रहे भाई, बेबी का पागल होगी, सिस्टम हैंग। रोब है भाई, क्या रोब है भाई, बिग बॉस में जाके जनता ने सिस्टम हैंग कर दिया भाई, उधर जाके भी, मीटअप में तो कर ही रहे थे, अंदर जाके भी कर दिया। नाइस एल्विश, आपने कल पॉडकास्ट में बोला कि आप डिजर्विंग है। अच्छा नो डाउट मेरे भाई, आप डिजर्विंग है, पर विनर बनने के लिए नहीं, रनर अप बनने के लिए। ओ सबर करो, ऐसा शेक में इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि अगर बाहर से भी शो को देख रहा होता और कहता यार डिजर्विंग तो मैं था, ट्रॉफी से क्यों दे दी। अरे यार भाई टक दिया भाई, भाई दोनों तगड़े नेक्स्ट लेवल के रोस्टर है भाई। कि जो भी है ये सब बातें हैं, पता इवनिंग में चलेगा कि कौन कितना पानी में है। भाईचारे की बात कर रहे हो, तो अगर अभिषेक और आप में से एक टाइम आए कि दोनों में से एक को ट्रॉफी मिल सकती है और आपको डिसाइड करना है, तो आप किसका नाम लेंगे? अगर मुझे डिसाइड करना है तो मैं बिल्कुल इनको ट्रॉफी दूंगा। वेक अप टू रियलिटी। जब भाईचारे की बात हुई थी तो अगर आपके और एल्विश में से आप चाहते हैं आप जीते, आपके और एल्विश में से एक चॉइस आई, किसी एक को जीतना है और आपको डिसाइड करना है, तो फिर मैं रख लूंगा। नो कमेंट्स, फिर तुम गालियां देते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। कोई कमेंट नहीं है क्योंकि आज वैसे भी पता चलने वाला है कि कौन जीतने वाला है। बाकी दोनों अच्छे हैं, कोई नहीं, भाईचारा ऑन टॉप, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जीते ठीक है। आज आज की बात है जीरो। सबने डे वन से, ये तो था नहीं डे वन से, मगर आई बिलीव कम्प्लीटली कि इट डज नॉट मीन कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कम था। आई थिंक इफ यू आस्क मी हु वुड आई वांट टू सी द ट्रॉफी इन हूज हैंड, आई वुड वांट टू सी इट इन एल्विश हैंड। डोंडो तुम पे है कि तुम किसको जिता रहे हो, जिसको भी वोट करना सोच समझ के करना, चाहे एल्विश को कर रहे हो, फुकरा कर रहे हो, किसी को भी कर रहे हो, बट सोच समझ के करना, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उसको कर देना भाई, बट करने से पहले एक बार सोच लेना कि किसको कर रहे हो। तुझे पता है मैं 3 सेकंड में अपने कपड़े उतार दूँ, हिम्मत मत कर वो देखो उसने। ओ भाई बेबी को मतलब पैंट भी खोल दी, अरे 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 कहाँ खोल दी, दिखाओ दिखाओ। तो मिम्मी माल आ गया बेबी का, वैसे हो गई भाई एल्विश को देख के। मेरी कास्टिंग हुई थी ना, तभी मुझे एक बंदे ने बोला था कि वाइल्ड कार्ड स्ट्रॉन्ग आएगा, वो आपका कॉम्पिटिशन है। को जज करने के लिए खास आए हैं सोशल मीडिया के दो पॉपुलर चेहरे यादव। कंपटीशन की बात छोड़ो, बट वाइल्ड कार्ड सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बार। पहले ये रहता था कि सारे स्ट्रॉन्ग बंदे पहले आते थे, वाइल्ड कार्ड नॉर्मल सा आता था, बट इस बार जो वाइल्ड कार्ड आया भाई साहब, फिर भी टॉप 5। नाउ वी आर टॉप 5। जी फट रही है, फट रही है, क्यों? ओह नहीं, आज इसकी बात है, पता चल जाएगा इवनिंग में कि क्या होने वाला है। ऐसे फटनी भी चाहिए, वो भी दोनों की, क्योंकि दोनों टक्कर में चल रहे हैं, मुझे लग रहा है एल्विश और फुकरा लाइक यूं यूं चल रहा है अभी तो वोटिंग।
तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मोस्ट बेट के बारे में बताना चाहूंगा। और गाइस जब से मैंने मोस्ट बेट के ऊपर गेम्स खेलने शुरू किए मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। मैं अकेला ही नहीं, मेरी तरह मिलियंस ऑफ लोगों ने इसके ऊपर गेम्स खेलकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे प्राइजेस भी जीत चुके हैं वो। हाँ, ये बिल्कुल सही है, आप भी इससे बहुत कमा सकते हो। मोस्ट बेट के ऊपर बहुत सारे गेम्स हैं जैसे कि एवेटार, अंदर बाहर, जेटएक्स और भी बहुत सारे। इनको आप खेलकर बहुत पैसे कमा सकते हो और भी बहुत सारे प्राइज जीत सकते हो। और इसके ऊपर विड्रॉल करना बहुत ही ज्यादा आसान है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सबसे आप बहुत ही आसानी से विड्रॉल कर सकते हो और डिपॉजिट भी कर सकते हो। और इसके ऊपर आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। और इसके अंदर आप गेम्स के ऊपर प्रेडिक्ट कर सकते हो जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और भी बहुत सारे, और बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हो। और आप इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर लाइव स्ट्रीम्स देखते हो तो भी आप प्राइज जीत सकते हो। तो क्या कर रहे हो यार, अभी जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और पैसे कमाना शुरू करो। और गाइस मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना एक्स्ट्रा बोनस के लिए। द क्राउड इज देयर फॉर अ रीजन। यस भाई, हर्ष बेनीवाल और यूके को तो आने नहीं दिया था। द रीजन, ओ भाई मारो भाई। मैंने सुना है कि 1,00,000 कितने ही लोग आ गए थे भाई, कोई 1,00,000 बोल रहा है, कोई 2,00,000 बोल रहा है, कोई 3,00,000 बोल रहा है, भाई साहब बहुत लोग आ गए थे। तो एक रोस्टर का फर्ज भी बनता है कि वो अपने आप को भी रोस्ट करे। तो मैंने 3 लाइनें अपने ऊपर भी लिखी हैं कि मैं अपने आप को भी रोस्ट करूं कि एल्विश यादव इज सो देसी कि वो अपनी वाइफ को बीच पे भी सूट सलवार पहनाएगा। बीच पे एल्विश यादव बिग बॉस के घर में इतना इंडल्ज हो चुका है कि वो बेड में भी वाइल्ड नहीं वाइल्ड कार्ड होगा। एल्विश यादव इज सो डम कि उसे लगता है कि मनीषा रानी वो डिजर्व करता है। थैंक यू गाइस। यार मैं बताऊं, मतलब जो भी होने सच्ची बात बता रहा हूँ, हर लड़का ना बाहर से कैसा भी बन जाए अंदर से भाई वो देसी ही होता है, ठीक है। हर लड़का यही चाहता है कि उसकी वाइफ या उसकी गर्लफ्रेंड कभी बिकनी ना पहने, कभी भी देख लेना। बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स या हस्बैंड्स अगर थोड़ी बहुत प्यार वाली जो लड़ाई होती है दोनों को, इसी रीजन की वजह से होती है कि तुमने ये क्यों पहना, वो क्यों पहना। और फिर कुछ लड़कियां बोलती हैं कि यार मेरे वाला तो मुझे जज करता है, मैं जब ये पहनती हूँ वो पहनती हूँ। हर लड़का भी नहीं, 70-80% लोंडे ना देसी ही होते हैं अंदर से इन सब चीजों को लेकर। भाई जो जो लड़की है सोच रही है कि वो सूट पहनेगी तो लौंडे सेट हो जाएंगे, क्योंकि भाई सबका पता नहीं, मैं तो सेट हो जाऊंगा। अच्छा अब ये तेरे रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गई। हां सुन रहा है ना, मेरे अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट चेंज कर रही है तू। क्या कर रही है, कैसे से होल दिख रहे तो जा दिखे वो छेद उंगली कर दो। क्या बदतमीजी यार, ये तो ठीक है, तो गंदी गंदी बातें कर। अभी चार दिखा छेद उंगली कर दो, ये बोला तेरी सोच कैसी है। अरे भाई क्या छी भाई छी, गलत सोच तेरी है यार। तुम तो बढ़िया बातें करते हो, मुझे भी शामिल कर लो। सही बात है भाई, जहाँ दिखे छेद वहाँ। क्या भाई हद है भाई, सही बात है, एल्विश को भी शामिल कर लो भाई, तो फिर और गंदी बातें होगी। सिस्टम हैंग नहीं, क्रैश करना है। और बहुत ऑब्वियस कर दी कोई एक चीज। अच्छा तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो पहले तो ऐसे ऐसे कर गया और फिर लाइफ में मेन बात ऐसे कर गया? मतलब कि पहले तो कंपटीशन बोल गया, ट्रॉफी मुझे क्या गया, बोल तो गया। आहा, ओ भाई भाई क्या चल रहा है भाई बाहर, सही में इंस्टाग्राम रील्स में तो सिस्टम हैंग सा ही हो गया भाई पूरा। सुन ना, मेरा भी कपड़ा कम है, कल से ईलो का कपड़ा हम निकालेंगे देखेंगे। हाँ ले लेना, ऐसे मेरे पे दो है, बांट लो, तीन एक ग्रीन है, ग्रीन पहन ले भाई। पर इसके बदले में मुझे तुम लोगों से एक चीज चाहिए। फ्रॉक स्कर्ट चुम्मा? नहीं चुम्मा, सॉरी चुम्मा। चुम्मे भी अटकी हुई है भाई, ऐसा ना हो कि बिग बॉस फिनाले के बाद में थोड़े दिनों के बाद एल्विश के घर पहुंच जाए और आंटी अंकल पूछे बेटा क्या लेने आयो, मतलब कुछ काम था क्या? नहीं आंटी चुम्मा लेने आई हूं। लाइव वॉचिंग रीच 2400K व्हेन ही इज नॉट देयर भाई। अगर वो बंदा खुद आ गया तो क्या हाल होगा भाई, कसम से। और अगर जीत के आ गया फिर भाई सिस्टम क्रैश हो जाएगा भाई। और गाली भी ना दे, गाली दे बट थोड़ी सी दे, ज्यादा ना दे, थोड़ी थोड़ी यार, ज्यादा नहीं। ये मेरा था पर्सनल वाला, अगर तुम देख रही हो तो, अगर तुम कोई है जो मेरी फ्यूचर में गर्लफ्रेंड बनने वाली है प्लीज गाली वाली मत देना यार। अरे मैं ये समझ इतना कड़क सरकादा में समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या आप कहना चाहते हो कि आशिका जी आप एल्विश का टाइप हो? हम दोनों हैं। आप अपनी बात करें। हाँ मैं हूँ। और तुम्हें घूंघट में चाहिए? ठीक, घूंघट मतलब इसमें भी आ जाएगी, मैं पहन लूंगी भाई। अरे भाई आशिका जी, मुझे लगता है साड़े आप बिग बॉस के घर में भूत प्रेत हैं।
अरे भाई ठीक है, अच्छी बंदी थी, रियल रही थी पूरे गेम में, कोई वो दोगला पंती वाला इसका बाहर नहीं आया, ये ना ही मीम्स में ट्रोल हुई है एक बार भी, अच्छा के लिए बंदी, चाहे जितने भी दिन रही है, बाकी टोटल बंदे ट्रोल हो चुके हैं अपने लाइक डबल फेस की वजह से, ये नहीं हुई है। अभी से मुझे तो ग्यारों ने लूटा, अपनों में कहां दम था। अच्छा जी, हमारा खाना वहां जला जहां गैस कम था, भाई साहब कुछ भी ये दोनों कुछ भी राइम बना देते हैं कोई भी चीज का। आपने साथ दिया होगा, आपने सपोर्ट करा होगा, वो भी बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं सारे लोग, पर तुम्हारा भाई तो अलग है ना, भाई को जीता ना, कोटिंग तुम्हारे हाथ में, मेरा सारे मतलब ये बिग बॉस ना जनता का है। बात कर लेते हैं गाइस, फिनाले की वोटिंग लाइंस खुल चुकी है, तुम्हारी मर्जी है, तुम कर दो जिसे मर्जी कर दो भाई, मैंने तो कर दिया है अभी आपके सामने किया था, एक ही बार काउंट होता है वोट, तो तुम देख लो एलविश को कर रहे हो, फुकरा कर रहे हो, बट करना दोनों में से एक को यार, इस बार ट्रॉफी यूट्यूब वालों के पास ही आनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ सेम ही चीज। कितने लोग आए, ओ लोग तो बहुत आए थे, लाख लोग आए थे, पूरा जाम हो गया था भाई, भाई इतने लोग तो इनके खुद के नहीं आते भाई, जब इनका कोई ऐसे मीटअप से चल रहा होता है जहाँ एक्टर वगैरह आते हैं, मुझे लगता है वहाँ पे इतने लोग आते होंगे भाई साहब। अपनी वाली से डरते हो, अच्छा फिर भी हम पे मरते हो, अच्छा जी हमसे प्यार करते हो, अच्छा जी बस कोई ये ना कह दे कि देख मनीषा ने तो सिस्टम का साला पूरा सिस्टम ही हिला दिया, इसलिए बीच बीच में हमसे लड़ते हो, वाह वाह अपनी सिस्टम में हिला दी सिस्टम, छोड़ो भाई क्या बोल रहा हूँ, एम लिख दिया बे सही लड़की भाई, बच्ची है सही में यार, महेश दल्ला, महेश दल्ले, ये रहा महेश दल्ले, चल भाई गले लग मेरे को कंफर्म लगता है कि जब एलविश यादव को महेश मिला होगा ना, गले लगा होगा, ये गाना पक्का आया होगा एलविश के दिमाग में। चुम्मा वाला बात नहीं कर सकता, चुम्मा वाला बात अभी करता, पर पाद खत्म होना चाहिए, कौन कौन था वहाँ, हम और अभिषेक, उसे पता है वाली बात, हाँ पता है कि तूने पादा, हाँ माँ कसम, माँ कसम उसको पता है, कैसे तूने उसके बोला कि मैं पादने वाली, हाँ हम जो करते हैं, I'm very honest तो बता देंगे कि हाँ मैंने छोड़ा, तो हम बोले उसको पूछ क्या हूं? यही सब पूछना है ना आपको, सब क्या आगे ना आपको मेरे का भाई, यही सब देखना बाकी रह गया था, अभी क्या दिखा रहे हो तुम लास्ट दिनों के अंदर बिग बॉस में होती है भाई। तो गाइस आज की वीडियो में इतने, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जाओ जियो सिनेमा ऐप पर और किसी को भी वोट कर दो, चाहे एलविश को कर दो चाहे फुकरा को कर दो, रीजन आपको पता ही है कि क्यों वोट करना है दोनों को यार, अपनों को ट्रॉफी लेकर आना है यूट्यूब कम्युनिटी में, तो प्लीज जाकर वोट कर दो जिन्होंने नहीं किया, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि आज कौन जीतने वाला है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।